पानी तो पारदर्शी होता है, लेकिन जब हम उसी पानी से बर्फ़ जमाते हैं तो वो प्रायः सफ़ेद रंग की जमती है। तो आज का वीडियो आप पूरा अंत तक देखिए, जिसमें हम आपको यही बताएंगे कि आखिर बर्फ़ सफ़ेद रंग की क्यों जमती है, और साथ में ये भी बताएंगे कि आखिर क्रिस्टल क्लियर बर्फ़ हम कैसे जमा सकते हैं। पानी एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में मिलता है, और हम लोग अपने हिसाब से बर्फ़ जमा के उसको यूज़ भी करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ये बर्फ़ प्रायः सफ़ेद रंग की जमती है, जबकि आप रेस्टोरेंट वगैरह में जब जाएंगे तो वहाँ पे जो आइस क्यूब मिलती है वो हमेशा क्रिस्टल क्लियर मिलती है। तो आइए जानते हैं कि जो बर्फ़ होती है वो आखिर सफ़ेद रंग की क्यों होती है, जबकि पानी तो पारदर्शी होता है। एक्चुअल में पानी में कई प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा तो उसमें होती है ऑक्सीजन और साथ में होती है हाइड्रोजन, और इसके साथ कुछ घुली हुई अशुद्धियाँ भी होती है पानी में। और जब हम इसी पानी का बर्फ़ जमाते हैं अपने फ्रिज के अंदर, तो उन्हीं गैसों के कारण जो बर्फ़ होती है वो वाइट कलर की हो जाती है, और आपने देखा होगा कि उससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट में जब वही आइस क्यूब मिलती है तो वो पूरी तरह से पारदर्शी मिलती है। आखिर ऐसा कैसे होता है कि रेस्टोरेंट में जो आइस क्यूब मिलती है वो पारदर्शी होती है और घर वाली जो बर्फ़ होती है वो सफ़ेद रंग की होती है, जिससे हम आर पार भी नहीं देख सकते हैं। एक्चुअल में जो क्रिस्टल क्लियर बर्फ़ या आइस क्यूब होती है उसको जमाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप पानी को पहले उबाल लीजिए, उसके बाद उसको ठंडा कर लीजिए। उबालने के बाद ये होता है कि जो उसमें गैस और अशुद्धियाँ होती हैं वो सब के सब निकल जाती है, और उसमें कोई भी गैस नहीं बचती है पानी में। और जब हम उसी पानी से बर्फ़ जमाएंगे तो वो क्रिस्टल क्लियर बर्फ़ होगी, जैसे कि रेस्टोरेंट में दिखती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर से आज की वीडियो को आप लाइक और उसके साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो नहीं किए हैं ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही स्क्रीन पर भी नज़र आएगा। तो आप मिलते हैं आज से फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।